लगातार हमारी कवरेज जारी है। आज जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, बड़ी ब्रेकिंग के साथ शुरुआत हम कर रहे हैं कि ये चुनाव 10 साल बाद हो रहा है, इसलिए काफी अहम है और लोग कई मुद्दों को लेकर लगातार न्यूज 24 संवाददाता बात भी कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा, जो कई मुद्दे हैं उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, फिर महंगाई है, और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो विकास अब तक नहीं हो पाया है वो अब जो नई सरकार है, जो नया CM होगा वो चुने, क्योंकि कई बड़े बदलावों के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। नई सरकार के चुनाव की शुरुआत आज से हो चुकी है क्योंकि पहले चरण की वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। देखिए, आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना। पहले 6 साल का कार्यकाल विधानसभा का होता था, लेकिन अब 5 साल का हुआ है। तो इन सभी बड़े बदलावों के साथ ये चुनाव हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 14 के मुकाबले 24 का ये विधानसभा चुनाव काफी अहम है। सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आसिफ, कई बड़े बदलाव हुए हैं, हमने पिछले 10 साल में देखा है, उन बड़े बदलावों का क्या असर वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछले 10 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदला है। 2014 में जो PDP बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कई एजिटेशन भी हुई, धारा 370 2019 में हटी, और उसके बाद कश्मीर घाटी में एक तरह से पूरा जो आतंकवाद और अलगाववाद है उस पर पूरी तरह से प्रहार किया गया 5 वर्षों के दौरान, जिसके चलते घाटी के हालात भी यहाँ पर बदले। और बिल्कुल, कुछ सबसे बड़ा बदलाव जो आज के दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो लोकतंत्र के पर्व की जीत होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें खुद बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र कितना मजबूत हो गया है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और लोग जो है अब कितनी बड़ी तादाद में घरों से बाहर आकर मतदान करते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफी सारे महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अफरोजा जान। अफरोजा जी, किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? महिलाएं जो है काफी यहाँ पर नजर आ रही है वोटिंग के लिए, क्या है महिलाओं के मुद्दे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर हम डालेंगे वोट, फिर देखेंगे क्या करेंगे वो लोग हमारे लिए। मतलब महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है इन चुनाव के दौरान? हमारा रोजगार होना चाहिए। यहाँ तो सारे बेरोजगार है, ग्रेजुएट है, MEd है, MEc है, सारे घर में बैठे हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमारे खिलाफ भी कुछ लिया जाए, इसलिए हम डालेंगे वोट। तो आपको उम्मीद है कि जो आप चुनेंगे नुमाइंदे वो आपका काम करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारे बहुत सारे उम्मीद है उसके लिए, वो करेंगे हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे, इसलिए हम वोट डालेंगे। आप देख सकते हैं महिलाओं ने बच्चे भी साथ में लाए हुए हैं, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, घरों में बच्चे होते हैं, उनको लेकर भी वोट डालने के लिए आए। आपका क्या नाम है? प्रिंसी। क्या है आपके, मतलब आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए जिसके लिए? हमारे कश्मीर में बहुत सारे मतलब मसलात है, वो हमारे डॉक्टर भी करेंगे हल, हम उसी को चुनाव देने चाहते हैं, हमारा हल करेंगे वो, यही मसला है। कौन हल करेगा? डॉक्टर भी। अच्छा, हाँ। तो यहाँ जो है कुछ लोग PDP थे, कुछ NC के भी समर्थक नजर आ रहे हैं, काफी सारे और लोग हैं। धीरे धीरे हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं यहाँ। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद आंतरे। रियाज साहब, आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग निकले हैं वोटिंग के लिए, तो इतना उत्साह लोगों में क्यों देखने को मिल रहा है आपकी बात? खुशी की वजह से वोट डाला है, क्योंकि पिछली बार PDP और नेशनल का PDP इधर आपस में कंपटीशन है, इसी की वजह से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए वोट से? जब आप वोट करेंगे तो आपको क्या फायदा उससे होगा? उसे तब्दील होना चाहिए, और क्या, तो तब्दीली आप चाहते हैं। तो और भी काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? ललाम। क्या है आप लोगों के मुद्दे आज, जो आज आप यहाँ पर? बस यही डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब विकास के लिए वोट डाल रहे हैं।
तो बिल्कुल अधिकतर लोग जो है यहाँ पर विकास की बात करते नजर आ रहे हैं, और इस पोलिंग स्टेशन पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और सारे काफी लोग यहाँ पर मौजूद है जो वोटिंग के लिए ठीक है। आसिफ आगे भी बातचीत हम करते रहेंगे वोटर्स से। अब सीधे एक बार फिर से रामबन लिए चलते हैं और पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज थोड़ा और बातचीत करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये चुनाव बहुत अहम है, बड़े बदलावों के साथ हो रहा है, वोटर से बातचीत कीजिए। बिल्कुल हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिका गुप्ता। हर्षिका फर्स्ट टाइम वोटर है, आप हैं यूथ है, यूथ के लिए इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे हैं? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट ही है, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन जॉब्स वगैरह नहीं है। अगर प्रॉपर स्कीम्स वगैरह या फिर अगर प्रॉपर यहाँ पे कॉलेज की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर प्रॉपर कॉलेजेस डेवलप होंगे तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने। चलिए बच्चों को जैसे जो भी कम्युनिटी के पास लौटते हैं और संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। संजीव ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि 10 साल में कई बड़े चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस का क्या असर है, वहां का वोटर क्या सोच रहा है, आज वोट कास्ट करते समय वो क्या सोचकर अपना वोट कास्ट कर रहा है? यहाँ पहले तो ये नजारा देख लीजिए किस तरह से लोग बाग एक लाइन लंबी लगी हुई है। ये मैं पंपोर में एक सरकारी स्कूल में हूँ और लोग बाग बड़े उत्साह से सुबह सुबह अपनी चाय खत्म करके चाय वाय पी लिया, चाय वाय पी ली सब करने के बाद आपने सोचा कि चले आते हैं वोट करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि मसले क्या है लोगों के, आप जब वोट करने आ रहे हैं बाग? मसला है यहाँ ही है, वो सड़क बनाना, पानी के मसला है, ये मसला है, बिजली का मसला है, यही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल कोई मसला कभी हल ही नहीं हुआ, पांपोर का कोई मसला हल ही नहीं हुआ है। इसको हम अपना कैंडिडेट चुन रहे हैं, इसलिए हम अपना कैंडिडेट उठा रहे हैं इस वक्त। हाँ। तो वो आगे हमारी नुमाइंदगी करेगा तो देखते हैं क्या होगा। बहुत बड़ी बात है, उम्मीदें क्या क्या है जब आपके हाथ में? डेवलपमेंट हो जाएगी और क्या, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। तो पार्टी को देख करके दे रहे हैं, उम्मीदवार को देख करके दे रहे हैं या मुद्दों को? मुद्दों को देखकर दे रहे हैं और कैंडिडेट को भी देखकर। आप क्या कहेंगे? चलिए आपको क्या लगता है, आप जब वोट देने आए हैं तो आपके मसले क्या है? हमारा मसले ये चावल भी कम देता है और बहुत मसले हैं। हाँ। इसीलिए हम अपना चुन रहे हैं, कैंडिडेट चुन रहा है। हाँ। अपना बंदा चुन रहा है, पांपोर का बंदा चुन रहा है। देखिए ये बात समझ लीजिए कि लोगों को यहाँ विकास की बहुत जरूरत है, और पंपोर में खास तौर पर हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि ज्यादातर जो लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, हमारे यहाँ सड़कों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, और इस वोट के जरिए वो इसको सॉल्व करना चाहते हैं। एक युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद है, आपने वोट दे लिया? जी अभी नहीं, अभी देने जा रहे हैं। जैसे आप जब वोट देने निकले घर से, बिल्कुल दिमाग में कुछ मसले होंगे कि इस वोट के जरिए हमें क्या हासिल है, क्या उम्मीद करनी है? बिल्कुल यही सोचे कि बेरोजगारी जो है यहाँ पे खत्म होनी चाहिए, इसलिए हमें एक वैसा बंदा चुनना चाहते हैं कि बेरोजगारी यहाँ पे जो है वो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल मेन मसला है वही है। हर बार जब लोगों ने वोट किया, उम्मीद की, और उसके बाद फिर एक सिलसिला आया जब वोट होना बंद हो गया, 10 साल का वो सिलसिला, लंबा सिलसिला। जब पिछली दफा यहाँ वोट हुआ होगा उस वक्त शायद आप वोटर नहीं रहे होंगे, आप पहली दफा वोट कर रहे हैं, तो ये 10 सालों में जो अनुभव लोगों के रहे वो कैसे रहे अगर वोट नहीं करते, और आज जब वोट करने आ रहे हैं तो क्या सोच करके लोग आपके परिवार में बातें करते हैं? वो तो लोगों की सोच होती है, अभी जो हमारा मसला है यही सोच के हम वोट डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा बेरोजगारी है, मसला वही है। अभी हम वैसा बंदा चुनना चाहते हैं जो आगे बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बात कर सकता है, मुंबई यहाँ पे असेंबली में बात कर सकता है। हमारी जो बात है असेंबली में नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल हिंदुस्तान के सेंटर में बात जानी चाहिए, पार्लियामेंट में जानी चाहिए, वही हमारा मुद्दा है। बिल्कुल ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये युवा, आपने कहाँ तक की पढ़ाई कर ली है? मैं 12th पास। 12th पास किया है इन्होंने, वोट पहली बार देने आ रहे हैं, और पहली बार वोट देने के बाद ये जो एक्सपेक्टेशंस है, इन एक्सपेक्टेशंस को उन्हें पूरा करना पड़ेगा जो यहाँ से चुन करके जाते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चाहे वो हसन मसूदी जीते, चाहे वो जहूर मीर जीते, कोई एक बात है
जो हम अभी जो वोट डालने जा रहे हैं, हम बिल्कुल आसिफ साहब यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसका चुनावी निशान है बिजली का खंभा, बिल्कुल वो लोग याद रखना चाहते हैं क्योंकि वो काम करने वाला है बंदा, पार्लियामेंट में बोलने वाला बंदा है। आप एक बात बताइए, बिल्कुल असेंबली में जो बोलेगा मतलब वो तो घर में भी कुछ बोल सकता नहीं है, वो बंदा होना चाहिए पार्लियामेंट में बोलने तो वाला। असेंबली का चुनाव है ना, बिल्कुल नहीं, हमारी बात तो आप पहुंचनी चाहिए ना वहां तक, बिल्कुल, और ये रिप्रेजेंटेटिव वहां तक पहुंच, बिल्कुल बिल्कुल, और पहुंचेगा भी, हम उम्मीद रखते हैं। हाँ, पर ये समझाते जाइए हमें बस आखिर में कि ऐसे में जबकि यहाँ पर पीडीपी एनसी कांग्रेस इस तरह के बड़े बड़े दल हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने इंडिपेंडेंट कुछ और, बहुत से लोग इंडिपेंडेंट चुन रहे हैं, नहीं क्या, नहीं खत्म कर दिया ना हमें। जब अगर युवा मतलब रख रहे हैं, लेकिन पंपोर में तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, बिजली पानी सड़क इन सब की प्रॉब्लम है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन